एक तरफ लाठी चार्ज होता है, नीतीश सरकार जो है वो शिक्षकों पर लाठी बरसाती है, और दूसरी तरफ ये है कि जब उस लाठी चार्ज में एक महिला शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उस पर लिपक होती करती है, क्या कहें? देखिए, लाठी चार्ज की मैं घोर निंदा करता हूँ। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, अपनी बातों को लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुँचाते हैं, मनवाने की कोशिश करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। लाठी की घटना, लाठी चार्ज की घटना निंदनीय है। जिनकी मौत हुई है, पुष्टि किस तरह से हुई है, अब जानकारी सदन में था, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन लाठी गोली की सरकार लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। और मेरा मानना है कि सरकार की आभा डूब चुकी है, तो डूबते आभा को बचाने के लिए कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, जनता को भी कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। नीरज कुमार ने सदन में ये बात कही है कि वैशाली की मरने वाली जो महिला है वो वैशाली की है और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, इस तरह तरीके। देखिए, ये तो एक जांच का विषय है। मैंने प्रारंभिक तौर पर ही कहा कि इसकी खबर हमें कानों तक नहीं आई है, मैं सदन में था, लेकिन जो लाठी चार्ज हुआ है वो दुखद है, लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है, अच्छा चीज ये नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिकल स्टेप लेता हो, उस संगठनों के खिलाफ अब लाठी का प्रहार लोकतंत्र के लिए कहीं से अच्छी नहीं। एक सवाल है सर, सुबोध राय ने सदन में ये बात कही है, विधान परिषद में ये कहा है कि मंगल पांडे के घर के नजदीक में शराब मिलती है। हमारे माननीय सदस्य सुबोध राय जी ने सवाल खड़ा किया सदन के अंदर में, तो जरूर उनके पास पुख्ते खबर होंगे। और मंगल पांडे जी के घर के अगल बगल में शराब बिकता है या ये कोई गलत बात थोड़ी है, जाकर देखिए ना वहाँ पर कौन लोग हैं, बिखी रहा है। तो नीरज कुमार ने चैलेंज कर दिया है कि आप दिलवा के दिखा दें हमें शराब। अब नीरज ये सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, तो सूचना ग्रहण न करें, उनको सूचना ग्रहण करना कामना है, संपर्क भी साधें।